वेलकम बैक माई YouTube चैनल। और आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके संग एक इजी सा मेकअप शेयर करना चाहती हूँ, जो आप डेली वेयर में हाउसवाइफ हो, वर्किंग वुमेन गर्ल हो या कॉलेज गोइंग गर्ल हो, कोई भी हो, आप ऐसा इजी सा मेकअप करके आप जा सकते हैं और घर पे भी रह सकते हैं। और हमको घर पे भी मेंटेन होके ही थोड़ा सा रहना चाहिए, ताकि अगर हम अपने आप को अच्छे लगेंगे तो हमें अपने घर का काम करने में भी मजा आएगा और अच्छा लगेगा और हमें कोई टायर्डनेस भी नहीं होगी। तो ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग कर ली है और मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने रोज हिप ऑयल मंगाया हुआ है पर्पल से। इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था, तो मैंने सोचा चलिए मैं भी इसको यूज़ करके देखती हूँ। और मैंने पर्पल से काफ़ी चीज़ें मंगाई हुई हैं और मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, और उनका जैसा भी इफेक्ट होगा मैं आपके संग उसका रिव्यू जरूर शेयर करूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, बस 1 and 2 drops, ठीक है? 1 and 2 drops हमें सीरम लगाना है, और हमें सीरम जरूर लगाना चाहिए। मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी, धीरे धीरे मुझे भी ये चीज़ पता चली कि इससे हमारा फेस पे रिंकल्स वगैरह जल्दी नहीं आते हैं, जो फाइन लाइंस आ जाती है कुछ लोगों के उम्र से पहले ही ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो वो जल्दी नहीं आएंगी। तो ये देखिए, ये मैंने लगा लिया। ओके, अब हमें इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, आप जो भी क्रीम यूज़ करते हो, बीबी क्रीम यूज़ करते हो, सीसी क्रीम यूज़ करते हो, जो भी आप डेली वेयर में यूज़ करते हो, आप उसको लीजिए और उसको हल्का सा थोड़ा सा लीजिए और उसको अपने फेस पे उसको अप्लाई कर लीजिए। क्योंकि सुबह के समय ना हाउसवाइफ के पास, ना वर्किंग गर्ल्स के पास, ना वर्किंग वुमेंस के पास, ना कॉलेज गोइंग गर्ल्स के पास इतना समय होता है कि हम आराम से मेकअप करें। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ अपने फिंगर्स में लिया और इसको ऐसे ऐसे डैप डैप करके अपने फेस पे लगाया और हल्का सा इसको, ये आप देखेंगे मैंने भी आज ये सीरम सेकेंड टाइम यूज़ किया है, लेकिन मुझे इसकी ये चीज़ अच्छी लगी कि आप कुछ भी फाउंडेशन लगाओ या बीबी क्रीम लगाओ या जो कुछ लगाओ, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लगा लिया और ये बहुत मैंने हल्के हाथों से मैं लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह के समय हम लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि हम ब्यूटी ब्लेंडर लेके हम अपना मेकअप करिए। जो बात सच है वो सच है, मैं आप लोग को बता रही हूँ, बी ऑनेस्ट। तो बस हमने इसको लगा लिया ऐसे करके, और इससे मुझे एक ये भी लगा कि एक फेस पे बीबी क्रीम हो या फाउंडेशन लगने पर हल्का सा एक चीज़ ड्राइनेस लगती है, वो चीज़ मुझे नहीं फील हुई। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट भी मंगाया हुआ है, इसको भी मैं यूज़ करके देख रही हूँ, क्योंकि आप लोग पिछले 2-3 वीडियो से देख रहे हो मैं कॉम्पैक्ट का यूज़ नहीं करती हूँ, बट मैंने अब मंगाया है और मैं इसका यूज़ करके देख रही हूँ। अगर मुझे जैसा भी इसका इफेक्ट दिखेगा मैं आप लोग के संग जरूर शेयर करूँगी। इसको देखिए, हल्का सा डैप यहाँ पे ऐसे करिए और हल्का सा, बिल्कुल क्या हम हाउसवाइफ सोचते कि हम कहीं जा थोड़ी ना रहे, हमें क्या करना है तैयार होके, तो ऐसा नहीं है। हम जब तैयार होके रहेंगे थोड़ा सा हल्का सा, तो हमें हम अपने आप को अच्छे लगेंगे, तो हमारा अपना घर का काम करने में भी हमें अच्छा लगेगा। ओके, ये हो गया। और आपको हल्की सी अपनी आईब्रो सेट कर लेनी है, ओके, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है? क्योंकि बिल्कुल हल्के हल्के, देखिए दिख रहा है आपको, बिल्कुल मैंने हल्के हल्के किया। और एक स्कूली, इसके संग स्कूली मिलती है, ये भी मैंने पर्पल से ही मंगाया हुआ है और इसको भी मैं यूज़ करके देख रही हूँ, और हल्के हल्के स्कूली के हेल्प से हमें इसको फॉर्म कर लेना है, ताकि जो भी हमने प्रोडक्ट लगाया है वो पूरे में अच्छे से स्प्रेड हो जाए। ओके, देखिए हो गया। और अगर आप कर लो तो आप बिंदी मत लगाओ, अगर आप हाउसवाइफ हो या आप मैरिड हो, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहते तो मत लगाओ। और ये देखिए, और आप हल्की सी ये वाला लिप ग्लॉस, ये आती है ना लिपस्टिक आती है, या लिप ग्लॉस भी होता है ये, हल्का सा इसको लगाइए, बिल्कुल हल्का सा, देखिए, ठीक है? अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो तो आप कोई भी और लिप बॉम लगा सकते हो, जिससे कि आपको कलर अगर नहीं चाहिए तो कलर भी नहीं आएगा, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा भी सकते हो। तो देखिए हो गया, विद इन 5 मिनट ये मेकअप लुक कंप्लीट हो गया। और कैसी लग रही हूँ मैं बताइएगा जरूर,
इजी बिजी सा मेकअप जो हाउसवाइफ के लिए भी इजी, कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए भी इजी और वर्किंग वुमेन के लिए भी इजी। तो अगर आप लोगों को ये मेरा छोटा सा प्यारा सा वीडियो अच्छा लगा हो और ये मेरा अच्छा सा सिंपल सा मेकअप अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के संग शेयर जरूर करिएगा। और एक बात मैं आप लोग को और बताना चाहती हूँ कि पहले तो मैंने सोचा था कि मैं हफ्ते में एक ही वीडियो अपलोड करूंगी, बट किसी दिन मेरा वीडियो दो दिन में एक बार जाता है, किसी दिन मेरा वीडियो तीन दिन में एक बार जाता है, क्योंकि उसका एक ही रीजन है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। मुझे जिस समय भी समय मिलता है तो मुझे लगता है कि मुझे आज भी समय मिला है तो मैं अभी वीडियो बनाऊं और अपलोड कर दूं। पता नहीं अगले चार दिन में या सैटरडे, मैं सोचूं सैटरडे का वेट करूं, पता नहीं उस दिन मुझे समय मिले या ना मिले। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को माइंड मत करिएगा कि इनका वीडियो दो दिन में आता है, तीन दिन में आता है। मुझे जिस दिन भी समय मिल जाता है, टू डेज में एंड थ्री डेज में, और जब से मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं टू डेज या थ्री डेज में ही वीडियो डाल रही हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के संग वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे कनेक्ट हो सको और अब हम एक फैमिली बन गए हैं। और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को जिसने भी मुझको सब्सक्राइब किया और जो भी मुझको देख रहा, जिसने नहीं भी सब्सक्राइब किया। और अगर आप मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अब हम एक फैमिली बन चुके हैं। और आपके संग मुझे बात करने में ऐसा लगता है कि मैं अपनी सिस्टर या अपनी भाभी या अपने भाई, जो भी मुझे देख रहा है, मुझे बॉयज़ देख रहे हैं तो गर्ल्स देख रही हैं, वुमेन्स देख रही हैं, तो मुझे सबसे लगता है कि मैं अपने फैमिली से बात कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके संग छोटे छोटे से वीडियो शेयर करके। और आप लोग को मेरे वीडियो में कोई भी मिस्टेक लगे या कोई भी मुझसे गलती हो तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं भी वीडियो अभी मैंने स्टार्ट किया है और आप लोगों के सीखते ही सीखते आप लोगों से मुझे भी आएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड के संग शेयर करिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे। ओके फ्रेंड्स।